अपनी गोद में एक 4 माह की बच्ची को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची नाबालिग ने एसपी से कार्यवाही की मांग की। जिसने भी नाबालिग किशोरी की दास्तान सुनी वह अचंभित हो गया। दरअसल भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी ने एसपी को बताया कि उसकी सगी बुआ के लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया और जान से मारने की धमकी देते हुए किसी को नहीं बताने को कहा। वहीं डरी सहमी किशोरी ने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। वहीं 8 महीने बाद जब किशोरी की तबीयत खराब हुई तब किशोरी की मां उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने किशोरी को गर्भवती होना बताया, जिसके बाद किशोरी के मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं किशोरी ने अपनी मां को सारी घटना बताई। वहीं किशोरी की मां अपनी बेटी को लेकर भेड़ाघाट थाने रिपोर्ट लिखवाने गई तो पुलिस ने कार्यवाही ना करते हुए वापस भिजवा दिया। वहीं नाबालिग किशोरी ने इस दौरान बच्ची को जन्म दिया। उसके बावजूद भी आरोपी युवक धमकी देते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा, जिसके बाद किशोरी की मां अपनी बेटी को न्याय दिलाने एसपी ऑफिस पहुंची और एसपी से न्याय की गुहार लगाई, जहां एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा ने तत्काल भेड़ाघाट पुलिस को एसपी ऑफिस बुलवाया और फटकार लगाते हुए कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। साथ बलात्कार हुआ है और वो लड़के ने जबरदस्ती मुझे धमकी दी थी कि मतलब किया है, तो मेरे घर में पहले कोई नहीं था घर में, और सब लोग बाहर चले गए थे। पापा तो अस्पताल में थे, उनका किडनी खराब हो गया था, तो वैसे घर में कोई नहीं था। तभी भाई बहन करके मुझे अकेले घर पे छोड़ के चले गए थे। कौन था ये लड़का? ये मेरे बुआ का लड़का था। और आपने इसकी शिकायत कराई थी? हाँ, कंप्लेन की थी। कहाँ पे की थी? वही भेड़ाघाट पुलिस में। तो उन्होंने बोला कि नहीं करो, मतलब चले जाओ घर, हो जाएगी कंप्लेन। एक पीड़ित महिला और उसके साथ में नाबालिग बच्ची मेरे सीट में आई न्याय की गुहार के लिए। मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई कि क्या समस्या है। उसने बताया कि उसकी 16 साल की बच्ची है, 16 साल की बच्ची के साथ उसके सगे बुआ के लड़के ने बलात्कार किया है। इस घटना के बाद में बच्ची को चूंकि डरा धमका दिया गया था और जान से मारने की धमकी दी गई थी, इसलिए बच्ची ने तत्काल में तो किसी को सूचना नहीं दी। लेकिन जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी, माँ उसको लेके हॉस्पिटल गई, 8 महीने का गर्भ जब पता चला अस्पताल में, तब बच्ची की माँ और बच्ची साथ में गई भेड़ाघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। लेकिन थाने में किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उनको बोल दिया गया कि ये साथ में रख लेंगे, ऐसा करके उनको वहाँ से भेज दिया गया।